नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होना है। आने वाले चंद दिनों में कभी भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान आजकल में भी हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान हो उसके पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुटी है और कुछ इसी तरह की तैयारी में हिंदू समाज पार्टी भी आज दिखाई दी। भाईंदर में हिंदू समाज पार्टी ने एक हॉल में अपना कार्यकर्ता मेलावा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हिंदू समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण तिवारी जी भी पहुंची। आपको बता दें कि हिंदू समाज पार्टी मूल रूप से उत्तर प्रदेश से निकली हुई पार्टी और अभी महाराष्ट्र में और दूसरे राज्यों में भी यह पार्टी अपना विस्तार कर रही है। बीते लोकसभा चुनाव में भी हिंदू समाज पार्टी ने अपने 4 कैंडिडेट महाराष्ट्र में उतारे थे, जिसमें से कैंडिडेट मीरा भाईंदर ठाणे ग्रामीण से भंवर के मेहता थे, जो भंवर के मेहता मुंबई अध्यक्ष के पद पर है और भंवर के मेहता ने ही आज के कार्यकर्ता मेलावा का आयोजन किया था। इस मौके पर वहां कई लोग पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे, उन्होंने सबने अपने विचार रखे और अंत में पार्टी अध्यक्षा किरण तिवारी मैडम ने पत्रकारों के सामने क्या कुछ कहा और क्या कुछ अपनी पार्टी के बारे में जानकारी दी, सुनिए वीडियो में आगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका स्वागत करते हैं हमारे अखबार की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। हिंदू समाज पार्टी यहाँ पे धीरे धीरे अपनी जड़ें बना रही है, हमारे भगवान लाल जी लड़े। आज इस कार्यक्रम को जो रखा गया है, इसको क्या वजह थी आज लोकसभा के जुड़ने से हमारे महाराष्ट्र में आए? वो चुनाव के हिसाब से आई हैं या मार्गदर्शन करने आई? नहीं, चुनाव के हिसाब से तो उसमें भी हम लोगों ने चर्चा की है, बाकी तो आज पहली बार महाराष्ट्र मुझे आना हुआ तो हमारे भंवरलाल मेहता जी स्वागत में, हमारे खुशी के स्वागत में कार्यक्रम रखा है, इसके लिए भंवरलाल मेहता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, ये थोड़ा सा अपनी पार्टी के बारे में बताइए, हिंदू समाज पार्टी की स्थापना कब हुई और क्यों की गई? देखिए, हिंदू समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 1992 की। तो ये असल में जिन लोगों ने स्थापना की थी वो लोगों ने है नहीं कोई भी, तब के जमाने में स्थापना लोग करके हिंदू मतलब की ऐसी हिंदूवादी पार्टी डाल देते थे, उसका नामो निशान कहीं दिखता नहीं था। तिवारी जी हमने हमारे जो थे वो उसको देखे जाने, तो इसके लिए फिर उन्होंने कोर्ट में केस भी लड़ा, कुछ लोगों ने उस पे कागज पे कोई आपत्ति लगा दी थी तो केस भी लड़ करके फिर पार्टी को चालू किया। तो भी आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? जैसे हमारे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, धीरे धीरे महाराष्ट्र की बात करेंगे, आप महाराष्ट्र में जी, तो आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है, मतलब क्या सोचते हैं आप महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर और यहाँ किस तरह अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, अपनी पार्टी को तो हमारा एक हिंदुत्व का एजेंडा है और वही एजेंडा है कि जो आज भारत में जो भी पार्टियां हैं वो बगैर मतलब कि सेकुलर हैं, तो हमारी वो पार्टी है जो कि डॉक्टर हिंदुवादी पार्टी है, वो हिंदुत्व की ही बात करती है, सेकुलर उसके अंदर तो है नहीं, तो हम अपनी पार्टी को। लेकिन मैडम, बहुत सारे संगठन बन गए हैं, बहुत सारे लोगों की पार्टियां बना के हिंदुओं के नाम पर, क्या उसी लिस्ट में आप लोग भी आते हैं या कुछ हट के आप करने का सोचने लगे? देखिए, हमारे पार्टी में एक हमारे जो हमारे मतलब तिवारी जी थे, जो हमारे पति थे, उन्होंने हिंदुत्व के लिए अपना खुद खून बहा करके इतनी बड़ी पार्टी को खड़ी किया और हिंदुत्व की बात करने वाला व्यक्ति कुछ अलग ही सोचता है, क्योंकि जो सब है हम वो नहीं है, हम कुछ अलग करना चाहते हैं। हिंदू समाज पार्टी का 1992 में गठन हुआ, कहीं किसी भी गवर्नमेंट में आपके एमएलए एमपी या पार्षद नगर सेवक चुनके आए अभी तक? पहला चुनाव हमने महाराष्ट्र से आपने लड़ा? नहीं, तिवारी जी एक बार अयोध्या से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे इसका। और देखिए, जब तिवारी जी तो 3 साल हुआ था उनको पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने अभी तो लड़ाई ही लड़ी थी, 3 साल में आदमी कितना बढ़ा ले जाएगा,
उसके बाद उनका तो ऐसे हो गया, घटना हो गई, तो उसके बाद फिर मुझे जिम्मेदारी दी गई। अब मुझे जिम्मेदारी दी गई, मुझे जबकि मुझे इस सब चीजों में कोई नॉलेज नहीं था और मुझे इसमें पॉलिटिक्स में आना भी नहीं था, लेकिन जब तिवारी जी के जाने के बाद हमारे जितने भी पार्टी के हमारे पदाधिकारी थे, मुझे जिम्मेदारी दी गई और इसको चलाने की मुझे पावर जो मिली, उस हिसाब से हम इसको चला रहे हैं। तो एक तो हम पार्टी को भी चला रहे हैं, दूसरी भी तिवारी जी का अपने जो केस है उसको भी हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तीनों जगह मुझे देख रहे हैं। मैडम एक सवाल ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आपने महाराष्ट्र से 4 कैंडिडेट उतारे, उसमें गौरजी मेहता है और दूसरे 3 के पुणे और अलग अलग सीट पर, तो उस चुनाव में आपने मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था, मनोज तिवारी के आज आपके यहाँ इस व्यासपीठ पर दिखाई नहीं दे रहे, क्या कारण? नहीं, कोई ऐसा कोई कारण नहीं है, हमारे पार्टी में ऐसा कोई कारण होता भी नहीं है, ठीक है। जरा कोई उनका अपना कुछ काम फंस गया है तो इसलिए वो नहीं आ पाए, क्योंकि मेरी बात नहीं थी। हमारी पार्टी में हिंदुत्व में हम लोग कोई कारण नहीं मानते इसका, अगर भी भाई साहब को कोई काम फंस जाएगा, भाई साहब नहीं होंगे तो उसका कोई कारण नहीं होता, उनका कुछ मैटर हो गया इसलिए वो नहीं आ पाए। भवरलाल मेहता जी को भी आप कोई नया पद मिलने की कोई घोषणा करने वाले हैं, कोई ऊंची पद या ऐसा आपका प्लान है? हाँ, चुनाव के बाद उनको कुछ राष्ट्रीय जिम्मेदारी देंगे, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष को भाई कहें। महाराष्ट्र में आपकी क्या योजना है, कितनी विधानसभा चुनाव आप करेंगे? देखिए, अभी तो उसके लिए मैंने कोई कन्फर्म नहीं किया कि हमको 10 लड़ना 20 लड़ना जितने भी लोग हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो लड़ाना है, जहाँ से भी लोग हमको मिलेंगे हम वहां से खड़े करेंगे। यूपी में कितने लोग खड़े आते लोकसभा में इस बार? यूपी में हमारे राज्य में 4-5 लोग तो ही लड़े हुए, यूपी में कम से कम 10 लोग तो उसी से लड़े। कोई जीता या कोई जीता? नहीं नहीं, अभी कोई जीतने का चांस तो नहीं था, लेकिन लड़े हैं। मतलब आपके पार्टी का अकाउंट कहीं खुला नहीं है जीत का? हाँ नहीं, जीत का अकाउंट अभी तो नहीं खुला है, मेहनत करते महाराष्ट्र में। हम आशा करते हैं महाराष्ट्र के भाइयों से, अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से आशा करते हैं कि पार्टी को आगे से आगे बढ़ाए और महाराष्ट्र से विधायक और सांसद बन करके आए, हमारे लिए बहुत लोकसभा चुनाव का महाराष्ट्र का जो कैंपेनिंग था उसको मैंने काफी करीब से देखा है और उसको कई बार कवर भी किया है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में कितना चैलेंज है आपकी पार्टी को अपने को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, जितना भी हमने देखा है महाराष्ट्र के अंदर जितना हिंदुत्व है उतना शायद कहीं नहीं है, ये मैंने देखा है। महाराष्ट्र के अंदर बहुत अच्छा और ज्यादा हिंदुत्व है और कोशिश हम यही करते हैं महाराष्ट्र से ही हमारी पार्टी आगे बढ़े। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।